बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्ला हूँ और आज हम इंशाल्लाह ऑटो कोरिलेशन पर बात करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इफ़ द सक्सेसिव एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड। चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि हमारे दोस्त पहले से क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से वाकिफ़ हैं और इस मॉडल के जो मुख्तलिफ अजम्पशंस हैं उनमें से एक बड़ा अहम अजम्पशन है दैट द डिस्टर्बेंस टर्म, वो जो एरर टर्म जिसको हम कहते हैं, रिलेटिंग टू एनी ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई द डिस्टर्बेंस टर्म relating to any other observation। यानी इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई यू जे इज इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर नॉट रिलेटेड हो तो ये रिजल्ट होगा, वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का मतलब है कि हमने यू आई और यू जे अलग अलग ऑब्जर्वेशन के उठाए हैं, एक ऑब्जर्वेशन के नहीं उठा रही है, तो बहरहाल इनका कोवेरियंस ज़ीरो होगा। इफ दिस अजम्पशन इज़ वायलेटेड देन वी हैव अ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन, तो फिर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम होगा। ऑटो कोरिलेशन मे बी डिफाइंड एज द कोरिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑर्डर्ड इन टाइम इज फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज डेटा और ऑर्डर्ड इन स्पेस एज इन क्रॉस सेक्शन डेटा। ऑर्डर इन टाइम भी हो सकता है, ऑर्डर इन स्पेस भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन ऑर्डर्ड होते हैं टाइम में। ये मतलब है कि यह मसला ज़्यादातर टाइम सीरीज़ डेटा का है, तो ऑटो कोरिलेशन में अक्सर हमें टाइम सीरीज़ डेटा की बात करते हैं, ज़्यादा यही होता। तो सबसे पहले अगर जो मैंने हल्का पुल्का डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन फिर भी ऑटो कोरिलेशन के डेफिनेशन में बता रहा हूँ। ऑटो कोरिलेशन के डेफिनेशन बताने से पहले मैं कोरिलेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ और उसका ऑटो कोरिलेशन से क्या ताल्लुक है। कोरिलेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच टू वेरिएबल मूव इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। द डिग्री टू विच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर, इकट्ठे चेंज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं, दो ये भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं या दोनों इकट्ठे कम होते हैं। इसको हम ज़रा स्लाइट सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन कह सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, वो आप उसको इनडायरेक्ट समझ लें। हालाँकि ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल शायद इसकी वजह से आपको ये बात याद रह जाए। सो कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच टू वेरिएबल मूव इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। इफ द टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन देन दोज वेरिएबल आर सेट टू हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन। और ये नीचे ज़रा को आप ज़रा देख रहे हैं, ये है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ज़रा शॉर्ट फॉर्म है इसका, और मज़ीद शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप जस्ट आर लिख लेते हैं कोरिलेशन को डिनोट करने के लिए। इसका फार्मूला है, दिस इज़ इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई विद इन द रूट, या ज़रा थोड़ा बहुत अलजबरा इस्तेमाल करके इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो हो गया कोरिलेशन का फार्मूला, लेकिन अभी तक आपको कोरिलेशन ये लग रहा है कि एक्स अलग वेरिएबल है वाई अलग वेरिएबल है। बिलफर्ज एक्स है स्टूडेंट्स कई है, आपके पास स्टूडेंट्स का सैंपल है, एक्स उनके जिस्म का वज़न है और वाई उनकी हाइट है, तो जिस्म के वज़न का हाइट से क्या ताल्लुक है, ये कोरिलेशन जो है, और आप ज़ाहिर समझ रहे हैं कि एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है। अलबत्त ये बात याद रखें कि कोरिलेशन जो है, अभी तक मैं मुसलसल कोरिलेशन पे बात कर रहा हूँ, ऑटो कोरिलेशन पे नहीं आया, लेकिन ऑटो कोरिलेशन पे एक ख़ास किस्म का कोरिलेशन है और उसमें यही खूबियाँ हैं और तकरीबन इसी तरह का फार्मूला भी है।
कोलिशन के आंसर जो है हमेशा माइनस वन और प्लस वन के दरमियान आता है। अगर कोलिशन का आंसर माइनस वन से कम या प्लस वन से ज़्यादा आ गया, पक्की पक्की बात है आपने गलती कर दी। और दूसरी बात यह कि फर्दर कोलिशन इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो यूनिटलेस क्वांटिटी होने की वजह से ये बड़ा अच्छा बात हो जाती है, हमें कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है। बिलफर्ज एक डॉक्टर ने कोलिशन मालूम किया है जिस्म के वज़न और उसकी हाइट के दरमियान, और एक शख्स है इंजीनियर है, उसने कोलिशन मालूम किया है गाड़ी के जैसे गाड़ी में मौजूद वज़न पर और गाड़ी की स्पीड के दरमियान। तो इन दो कोलिशन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इनको भी कंपेयर किया जा सकता है, हालांकि बिल्कुल अलग अलग फिनोमेना है, फिर भी कंपेयर किया जा सकता है। वजह यह है कि ये बिल्कुल यूनिटलेस क्वांटिटी है और यूनिटलेस क्वांटिटीज़ कंपेयर की जा सकती हैं। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं ऑटो कोलिशन की, जो स्पेशल टाइप ऑफ कोलिशन है। अब ज़रा इधर देखें, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोलिशन एक्स और वाई दो अलग वेरिएबल थे, यहाँ ऑटो कोलिशन देखें, दिस इज इक्वल टू कोलिशन बिटवीन एक्स टी एंड एक्स टी माइनस वन। एक्स टी है, एक्स ही वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है एट टाइम टी, और एक्स टी माइनस वन का मतलब है ये उसी वेरिएबल की पिछली वैल्यू है। बिलफर्ज एक्स अगर इन्फ्लेशन है तो ये एक्स टी हो जाएगा इस साल की इन्फ्लेशन, और एक्स टी माइनस वन हो जाएगा पिछले साल की इन्फ्लेशन। ये इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है, और ये एक ही वेरिएबल है क्योंकि दोनों ही इन्फ्लेशन है, तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल की वैल्यूज़ का अपने पिछली वैल्यू के साथ कोरिलेशन, ये हो जाता है ऑटो कोरिलेशन। और इसका फार्मूला अगर आप देखें तो ये वही फार्मूला है, बस सिर्फ एक्स और वाई के बजाय रिप्लेस हो गया एक्स टी और एक्स टी माइनस वन। ये देखें, ये फार्मूला ऐसे हो जाता, बाकी इस तरह भी फार्मूला लिखा जा सकता है। इट इज़ अ कोरिलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल विद देयर पास्ट और लैग्ड वैल्यूज़, पास्ट वैल्यूज़ कह देते हैं या लैग्ड वैल्यू कह देते हैं। होपफुली अब आपको ऑटो कोरिलेशन का आइडिया तो कम से कम समझ आ गया होगा। बाकी ऑटो कोरिलेशन भी उसी तरह माइनस वन प्लस वन के दरमियान ही रहता है, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा जी, ऑटो कोरिलेशन हमारे डेटा में आता कहाँ से है, अब इस पर बात करते हैं। एक तो है ऑटो कोरिलेशन एंड टेम्पोरल डिपेंडेंस, अच्छा जी, ऑटो कोरिलेशन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ द सेम वेरिएबल बिटवीन टू सक्सेसिव टाइम इंटरवल। और ये जो आपने देखा कि हमने टाइम इंटरवल की बात की, वेरिएबल एक ही रहता है लेकिन उसकी पिछली वैल्यू मौजूदा वैल्यू की बात हम करते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल डिपेंडेंस, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल डिपेंडेंस। और ये टाइम सीरीज डेटा में होती है। इट मेजर्स हाउ द लैग्ड वर्जन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल वर्जन ऑफ इट इन अ टाइम सीरीज। ऑटो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, इज आल्सो नोन एज सीरियल कोरिलेशन। अच्छा, ये इसका नाम ऑटो कोरिलेशन भी बोलते हैं, सीरियल कोरिलेशन भी बोलते हैं। मुमकिन है इस प्रेजेंटेशन में बाद जगहों पर मैं सीरियल कोरिलेशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आप परेशान ना हो। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद द ऑटो रिग्रेसिव एवरेज मॉडल या एरमा मॉडल और एन ऑटो इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल या एरमा मॉडल। तो आर्मा और एरिमा मॉडल्स में भी ये ऑटो कोरिलेशन का आइडिया काफ़ी इस्तेमाल होता है। द एनालिसिस ऑफ ऑटो कोरिलेशन हेल्प्स टू फाइंड रिपीटिंग पीरियाडिक पैटर्न विच कैन बी यूज्ड एज टूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन द कैपिटल मार्केट। तो आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस कैपिटल मार्केट में एक अहम काम है, और इसकी मदद से आप प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग करते हैं कैपिटल मार्केट में। ऑटो कोरिलेशन उसमें एक अहम टूल है जो इस्तेमाल होता है। और ये अगर आप ऑटो कोरिलेशन का पता कैसे लगाते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपके पास अगर आप एरर टर्म को विद टाइम के साथ ग्राफ करें और आपके पास इस तरह का वेव फॉर्म सा आ रहा है, दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन।
और अगर आप एरर टर्म को याद रखें, यहाँ मैंने एरर टर्म को टाइम के साथ ग्राफ किया हुआ, अगर आपने एरर टर्म को उसकी पीछे पास्ट वैल्यू के सामने ग्राफ किया, एरर टर्म को पास्ट वैल्यू के साथ ग्राफ किया और कुछ इस तरह का ग्राफ आया, ये सर्कल हमने बाद में ड्रा किया, असल ये डॉट्स है हमें, ये स्कैटर प्लॉट है हमें, अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो इट शोज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अच्छा जी, एक और सूरत ये हो सकती है कि नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन किस तरह होती है कि जब आप एरर टर्म को अगर टाइम से ग्राफ के अगेंस्ट ग्राफ करें और आपको जल्दी जल्दी वैल्यूज़ का साइन चेंज होता हुआ नज़र आए, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह चल रहा है, तो इट शोज़ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आप एरर टर्म को अपनी पास्ट वैल्यू पर रिग्रेस करें, इनका कोरिलेशन चेक करें या उनका स्कैटर ग्राफ चेक करें, तो आपको जो है ना ये इस तरह के इंक्रीजिंग ट्रेंड के बजाय डिक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आए, तो ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन को शो करता है। ये इंशाल्लाह ये ग्राफ कैसे बनाते हैं बाकी बाद में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल मुनासिब मुझे लगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये चार्ट मैंने फिर एक दफ़ा फिर भी इस प्रेजेंटेशन में रखा हुआ है एक और जगह पर। अच्छा, अब अहम बात यह है कि वो ऑटो कोरिलेशन आता किधर से, क्यों आता? तो एक तो बड़ी वजह इसकी यह है कि बिज़नेस फिनोमेना में एक किस्म का इनर्शिया होता है, जनरली कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, बिज़नेस डेटा जो है उसमें इनर्शिया मौजूद होता है। एज इज़ वेल नोन, टाइम सीरीज सच एज, ये मुख्तलिफ टाइम सीरीज़ है, जैसे GNP है, जैसे GNP इस साल की, पिछले साल की, उससे पिछले साल की, तो ज़ाहिर टाइम सीरीज़ हो गया। प्राइस इंडेसेस ये टाइम सीरीज़ है। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दे ऑल एग्जिबिट बिजनेस साइकिल्स। ठीक है ना जी। और चूँकि वही बिजनेस साइकिल जो इस तरह का वेव फार्म होता है, जो जैसे अभी आपने ये देखा इस तरह का वेव फार्म, रिसेशन होता है, फिर हालात अच्छे होने लगते हैं, फिर रिसेशन के बजाय बूम आ जाता है, फिर हालात ये हो जाते हैं, वापस रिसेशन की तरफ बात जाती है, और इस तरह के साइकिल्स चलते रहते हैं। तो ये बिज़नेस साइकिल्स होते हैं। स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ रिसेशन, व्हेन इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट्स, मोस्ट ऑफ दी सीरीज स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। तो ये सीरीज कई दफ़ा ये सीरीज अपवर्ड मूव करते हैं, और जब मुसलसल अपवर्ड मूव करते हैं तो क्या होता है, ये देखें, पहले इनकी वैल्यू इधर थी, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, ये देखें टाइम साथ साथ गुजर रहा है, वैल्यूज ऊपर जा रही हैं। तो जब हर वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू से बड़ी है तो जाहिर है कि ये डिपेंडेंसी मौजूद है। ठीक है ना जी। या फिर यहाँ पर मुड़ने के बाद जब हर वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है तो डिपेंडेंसी मौजूद है। ठीक है ना, ये डिपेंडेंसी मौजूद है। और एक बात ये बताता जाऊँ कि ये फुल साइकिल बनता है बहुत सारे सालों में, एक डेढ़ दिन में नहीं बनता। आप एक छोटे से एरिया में स्टडी करते हैं तो आपको ये फुल साइकिल नज़र नहीं आता, उसका कुछ पोर्शन नज़र आता है और उसमें टाइम से और उसमें ऑटो कोरिलेशन मौजूद होता है। ओके, स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ रिसेशन, व्हेन इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट, मोस्ट ऑफ दी सीरीज स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। In this upswing, the value of a series at one point in time is greater than its previous value. Thus, there is a momentum built into them, and it continues up to until something happens. Or what something happens? Kya hai? Increase interest rate hai, ya taxes hai, ya dono hai? To slow them down. So, wo unko slow kar le rakte hain. आपने गौर किया, ये वो चीज़ है इंटरेस्ट रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। और आप लोग जानते हैं मुझे दिलचस्पी हो गई थी बिलासुद बैंकारी में और कई एक और चीज़ों में, और ख़ास तौर पे इकॉनमी में मुझे बैंकों का इंटरवेंशन पसंद नहीं है। ये चीज़ मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी और मुझे इधर से शक पड़ गया था। और जब मैं MBA में आया और मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा यार ये तो कोई और ही गेम खेल रहे हैं दुनिया वाले लोग हमारे साथ। तो बहरहाल असल इब्तदाई जगह यही थी बिज़नेस साइकिल्स में इन जगह पर, और इनकी यह रीज़न थी जो मुझे मेरे जहन में आ गई थी। आगे जाते हैं, याद रखें ये जो बिज़नेस साइकिल है इसके मुतालिक बिज़नेस में आपको बताया जाता है कि ये नेचुरल है, कुछ अरसे बाद होते हैं, कोई नेचुरल नहीं है, इसको बैंकारी निज़ाम वाले ख़ुद करते हैं।
ठीक है ना। और ये टैक्सेस वगैरह भी ये गवर्नमेंट से वो खुद ही इम्पोज करवाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में जब तक बैंकों को खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं थी तो इनकम टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स अमेरिका में नहीं था। ये 1913 में बात है, सदर विल्सन को उन्होंने मजबूर किया और उसने अमेरिका में बैंकारी की उस तरह इजाज़त दी जिस तरह बैंकर्स चाहते थे। और उसके बाद जो है ना एक एक महीने में बैंकारी के लॉज इम्प्रूव हुए और उसी महीने के एंड में जाके या एक आध महीने बाद इनकम टैक्स के लॉज इम्प्रूव हुए अप्रूव हुए। और आप इसके लिए एक मूवी है द मनी मास्टर्स, ये अमेरिकन जज की बनाई हुई मूवी है, आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, व्हाई ऑटो कोरिलेशन? ऑटो कोरिलेशन क्यों होती है? इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो हमने यहाँ पर बता दी और बिज़नेस साइकिल्स की और इस तरह की चीज़ें, एक तो मैंने यहाँ बता दी। इनफैक्ट ये भी एक मज़े की बात है कि पूरी दुनिया इस फिनमिना को यानी नेचुरल फिनमिना समझ रही हो, वैसे ही होता है, कोई वैसे नहीं होता, यह कोई रैंडम बात नहीं है, यह कुछ लोगों के करने से होता है, तो बहरहाल वो अलग कहानी है। मुझसे पूछे तो ये दज्जाली निज़ाम को दज्जल का कुछ इशारा यहाँ मौजूद है। बहरहाल वाई ऑटो कोरिलेशन, तो इसकी एक और वजूहत जो ऑटो कोरिलेशन की है, एक है स्पेसिफिकेशन बायस। और स्पेसिफिकेशन बायस दो किस्म का होता है, जब आप मॉडल से कुछ वेरिएबल एक्सक्लूड कर लेते हैं या जब मॉडल का फंक्शनल फॉर्म गलत होता। इन एम्पेरिकल एनालिसिस द रिसर्चर ऑफन स्टार्ट विद अ प्लॉजिबल रिग्रेशन मॉडल दैट मे नॉट बी द मोस्ट परफेक्ट वन। वो उसके ख्याल में भाई इस मॉडल से शुरू कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल में सही रहेगा। ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉडल की तरफ हम शुरू में जाते भी नहीं हैं, ख़र्चा भी बढ़ता है, सर्वे भी बड़ा हो जाता है, कई एक मसाइल होते हैं, तो हम अक्सर अवकात इब्तदाई किस्म के प्लॉजिबल हद तक जो हमें मॉडल लगता है उससे हम शुरू कर लेते हैं। इट मे नॉट बी द मोस्ट परफेक्ट वन। सम वेरिएबल देट वर ओरिजिनली कैंडिडेट्स बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन मे देन बी इंक्लूडेड। अब इब्तदाई मॉडल में जब जिनमें वेरिएबल इब्तदा में नहीं थे उनमें ऑटो कोरिलेशन का मसला आ रहा था, ऑफन द इंक्लूजन ऑफ सच वेरिएबल रिमूव द कोरिलेशन पैटर्न ऑब्जर्व्ड अमंग रेसिडुअल। शुरू में जब आपको मॉडल आपका ज़रा इम्परफेक्ट था उसमें ऑटो कोरिलेशन मौजूद था, फिर आपने जब बाद ज़रूरी वेरिएबल इंक्लूड कर दिए तो वह मॉडल का वो ख़राबी दूर हो गई जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल की वजह से थी, और इसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन का पैटर्न ख़त्म हो गया, ये भी हो सकता है। दूसरी वक्त यह है कि मॉडल का फंक्शनल फॉर्म सही नहीं है। क्या मतलब? इन एम्पेरिकल एनालिसिस द रिसर्चर ऑफन स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट फॉर्म। अक्सर हम बिल्कुल जैसे आप रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, और जाहिर है सिंपलेस्ट फॉर्म लीनियर ही होता है, ऑफ रिग्रेशन मॉडल दे मे नॉट बी द मोस्ट परफेक्ट वन। Suppose that the correct form of the model should have been quadratic rather than linear. ठीक है, ये quadratic है या कोई और form है, बहरहाल अब अगर वो quadratic है और आप उसको linear zoom करके चल रहे हैं, मसला तो बनेगा। आप linear quadratic को तो अच्छा predict नहीं कर सकता। अब आप समझेंगे कि अगर आप analysis करेंगे तो आपको statistic strata वगैरह सब बताएंगे कि ऑटो कोरिलेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऑटो कोरिलेशन ही हो। सच स्पेसिफिकेशन बायस मे रिजल्ट इन टू ऑटो कोरिलेशन इन एरर टर्म, ऑफन मेकिंग नेसेसरी करेक्शन टू द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल रिमूव द कोरिलेशन पैटर्न ऑब्जर्व्ड अमंग रेसिडुअल। ये जो बात है ये मैं आपको एक डायग्राम में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल सपोज ये आउटपुट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ये कॉस्ट है वाई और ये एक्स है आउटपुट प्रोडक्शन। आप इन दोनों के दरमियान ग्राफ देख रहे हैं और इनका ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है। अब इन डॉट्स का मतलब तो ये है कि भाई कम प्रोडक्शन हो रही थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, फिर जब हम प्रोडक्शन बढ़ाने शुरू कर दी तो कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से गिर गया। एक खास हद से ज़्यादा जब प्रोडक्शन हमने बढ़ाई तो कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तक थी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और अब शुरू हो गई डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अच्छा, ये तो कहानी थी जो इसमें नज़र आई, लेकिन आपने इस फंक्शन फॉर्म पे गौर नहीं किया, ठीक है, और आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन फिट कर दिया
अब स्ट्रेट लाइन तो बता रहा है कि जी अगर आप सिर्फ इस रेंज में स्टडी कर रहे हैं तो वो कहेगा कि ये हर नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू से कम वैल्यू दे रही है और इसका क्या मतलब हुआ, इसमें तो ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। या अगर इस रेंज में स्टडी कर रहे हैं तो भाई हर नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी हो रही है। मुमकिन है कि ये वाला डेटा आपके स्टडी में मौजूद ही नहीं होगा क्योंकि डिस इकोनॉमीज़ की तरफ आप नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इकोनॉमीज़ के एरिया में रहेंगे। तो आप देखेंगे कि हर नेक्स्ट वैल्यू पिछले वैल्यू से कम वैल्यू दे रही है। हम प्रोडक्शन जब आप बढ़ाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये एरिया आपको इसमें ऑर्डर कोरिलेशन नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली वो मॉडल क्वाड्रेटिक है। ठीक है, आप उसको लीनियर से मालूम का एस्टिमेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के मसाइल हो सकते हैं कि मॉडल का फंक्शनल फॉर्म गलत हो। ठीक है ना, फंक्शनल फॉर्म गलत हो, मॉडल का फंक्शनल फॉर्म गलत हो। अब वो क्वाड्रेटिक नेचर का है, ये देखें, ये इस तरह का क्वाड्रेटिक का ग्राफ तकरीबन ऐसे ही बनता है, पैराबॉलिक। इसको अगर उल्टा कर ले तो मेहराब सा बनता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह का पैराबॉलिक फॉर्म बन रहा है और आप उसको लीनियर से एस्टिमेट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आप जो इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है y इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स और प्लस एरर टर्म, बस यहाँ तक y इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर टर्म जो लीनियर है। और हालांकि इक्वेशन होनी चाहिए y इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस करना चाहिए और प्लस एरर टर्म, वो आपने नहीं किया इसलिए ये फॉर्म का मसला है। तो ये मॉडल के फंक्शन फॉर्म का मसला है। और ऑटो कोरिलेशन कहाँ से आ सकता है? एक है कॉबवेब फिनोमेना। ये फिनोमेना क्या है? द सप्लाई ऑफ मैनी एग्रीकल्चर कमोडिटी रिफ्लेक्ट द सो कॉल्ड कॉबवेब फिनोमेना वेयर सप्लाई रिएक्ट टू प्राइसेस विद अ लैग ऑफ वन टाइम पीरियड बिकॉज सप्लाई डिसीजन टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट। होता यह है, ये इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि पिछले साल आपने बिलफर्ज कोई फसल उगाई थी, आपने ज़्यादा उगा ली, बिलफर्ज गंदम ज़्यादा उगा ली, और सिर्फ आपने नहीं अक्सर लोगों ने गंदम ज़्यादा उगा ली और मार्केट में उसकी बहुत कम प्राइस पे, मंडी में जाके बहुत कम प्राइस पे बिकी। आपका दिल तंग हो गया, अगली दफ़ा आप गंदम कम लगाएंगे। ठीक है, ये एक फिनोमेना है, इसको हम कॉबवेब फिनोमेना कहते हैं। ये ज़रा देखें इधर, ये कुछ इस तरह का फिनोमेना है। ये सिंपल रूटीन का, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और ये प्राइस है, ये डिमांड, और आप जानते हैं ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, मशहूर चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर बिलफर्ज आप इसी जगह देखें, अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ये प्राइस को इधर शिफ्ट, प्राइस पे इधर शिफ्ट आता है। अच्छा, अब जब सप्लाई कम थी तो प्राइस बढ़ गई, तो आपने क्या किया, राइज इन प्राइस काजेज हाई सप्लाई, तो आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी तो हाई सप्लाई काजेज फॉल इन प्राइस, तो वो प्राइस गिर गई। अब प्राइस गिर गई तो उससे आपने सप्लाई गिरा दी, अगली दफ़ा सप्लाई गिरा दी, लेकिन ये एक एक सीज़न का वक्त लगता है। इसका जो डायग्राम बनता है ना, तो वो मकड़ी के जाले की तरह का डायग्राम बनता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉबवेब, दैट्स अ कॉबवेब फिनोमेना। द सप्लाई ऑफ मैनी एग्रीकल्चर कमोडिटी रिफ्लेक्ट द सो कॉल्ड कॉबवेब फिनोमेना वेयर सप्लाई रिएक्ट टू प्राइस विद अ लैग ऑफ वन टाइम पीरियड, यानी एक सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है, सप्लाई रिएक्ट करती है लेकिन एक सीज़न इंतज़ार करके करती है। बिकॉज सप्लाई डिसीजन टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट, सप्लाई प्रोडक्शन एकदम से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, उस पर टाइम लगता है। अब कम से कम एक सीज़न तो फसल आने में लगता है। दस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स फार्मर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस प्रिवेलिंग लास्ट ईयर सो दैट दे देयर सप्लाई फंक्शन इज़, ये देखें, सप्लाई एट टाइम टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, प्राइस एट टाइम टी माइनस वन, पिछले साल प्राइस क्या थी, इस साल की सप्लाई का फैसला इस पर होगा, और फिर एरर टर्म। सपोज एट द एंड ऑफ टाइम टी प्राइस टर्न आउट टू बी लोअर देन प्राइस टी माइनस वन, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में आपकी दफ़ा प्राइस कम है,
देयरफॉर इन पीरियड टी प्लस वन जो आने वाले साल होगा, फार्मर मे वेरी वेल डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस देन दे डिड इन पीरियड टी। तो पिछले साल तो इस आने वाले साल मुमकिन है कि वो कम प्रोडक्शन करें क्योंकि इस साल उनको सही प्राइस नहीं मिली। ऑब्वियसली दिस सिचुएशन द डिस्टर्बेंस टर्म यू टी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रैंडम, रैंडम वो नहीं रहेगा, वो जो फार्मर का बिहेवियर है वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। बिकॉज इफ द फार्मर ओवर प्रोड्यूस इन ईयर टी दे आर लाइकली टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन इन टी प्लस वन एंड सो ऑन लीडिंग टू अ कॉब वेब पैटर्न। तो ये यू टी जो है वो बिहेवियर को उठा लेगा। ऑटोकोरिलेशन और भी वजूहत होती हैं जैसे लेग्स हैं। इन अ टाइम सीरीज रिग्रेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑन इनकम, जब आप कंजम्पशन को इनकम के तौर पे देखते हैं, कंजम्पशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द करंट पीरियड डिपेंड्स अपॉन अमंग अदर थिंग्स ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ये देखें कंजम्पशन एक तरफ से ये तो कॉन्स्टेंट है, यह यहाँ इनकम पर डिपेंडेंसी शो की गई है और यहाँ पर जो है पिछले साल की कंजम्पशन शो की गई है और यह तो एरर टर्म है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस साल जो है वो इस साल की इनकम लेकिन पिछले साल के कंजम्पशन पे भी डिपेंड करती है। सच ए रिग्रेशन इज़ नोन एज ऑटो रिग्रेशन। बिकॉज ऑटो रिग्रेशन क्यों कहते हैं कि कंजम्पशन एट टाइम टी डिपेंड अपॉन कंजम्पशन ऑन टाइम टी माइनस वन। तो ये तो ऑटो रिग्रेशन, जिस तरह खुद आप ऑटो कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसको ऑटो रिग्रेशन कहते हैं। बिकॉज वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज लेग्ड वैल्यू ऑफ द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कंजम्पशन टी माइनस वन क्या है, ये कंजम्पशन ही की पुरानी वैल्यू है, ये उसकी लेग्ड वैल्यू है, एक साल पुरानी वैल्यू। द रेशनल फॉर अ मॉडल इज सिंपल, कंजम्पशन डू नॉट चेंज देयर कंज्यूमर्स डू नॉट चेंज देयर कंजम्पशन हैबिट रेडिली फॉर साइकोलॉजिकल टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन रीजन। वो फौरन चेंज नहीं करते, वो वक्त लेते हैं। नाउ इफ़ वी नेग्लेक्ट द लेग टर्म इन दिस मॉडल, अगर आप इस मॉडल से ये वाला पोर्शन उड़ा दें तो ये इफेक्ट किधर जाएगा, एरर में। द रिजल्टिंग एरर टर्म विल रिफ्लेक्ट अ सिस्टमैटिक पैटर्न ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लेट कंजम्पशन ऑन करंट कंजम्पशन। तो ये जो सारा इफेक्ट इसमें आ जाएगा ये इसको ऑटो कोरिलेटेड कर देगा, ये इफेक्ट जो सारा इसके अंदर आ जाएगा ये आपने मॉडल से अगर ये हिस्सा गायब कर दिया तो ये सारा इफेक्ट एरर टर्म में आ जाएगा और वो उसको ऑटो कोरिलेट कर देगा। वाई ऑटो कोरिलेशन, इसका एक और रीज़न है और वो है डेटा मैनिपुलेशन। द सो कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा मे आल्सो बी अ कॉज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। द एम्पेरिकल इन एम्पेरिकल एनालिसिस द रॉ डेटा आर ऑफन मैनिपुलेटेड, और ये कई दफ़ा होता है। बिलफर्ज आप क्वार्टरली डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं और आपके पास इतफाक से डेटा मंथली अवेलेबल था एक जगह पर और आपने उनके एडिंग करके आपने उसको क्वार्टरली बना दिया, एडिंग एवरेजिंग कर दी। अब एडिंग और एवरेजिंग से क्या होता है कि इससे डेटा में स्मूथनेस आ जाती है, किसी जगह वैल्यू कम होती है दूसरी जगह बड़ी होती है, वो कम और बड़ी वैल्यू एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म करके डेटा को स्मूथ करना शुरू कर देते हैं। दिस एडिंग और एवरेजिंग इंट्रोड्यूसेस स्मूथनेस इनटू द डेटा बाय डैम्पनिंग द फ्लक्चुएशन इन द मंथली डेटा। Therefore, the graph plotting the quarterly data look much smoother than the monthly data. And this smoothness may itself lend to a systematic pattern in the disturbance. और वही systematic pattern आपका autocorrelation हो जाता। एक और वजह है interpolation or extrapolation. Another source of manipulation is interpolation or extrapolation of data. इंटरपोलेशन ये है कि आपके पास कुछ डेटा गिवन है, ठीक है ना, बिलफर्ज आप इस तरह समझें कि आपके पास मुख्तलिफ इनकम लेवल पे 1000 इनकम लेवल पर डे, 1000 पर डे, 1500 पर डे, 2000, इस तरह मुख्तलिफ इनकम लेवल पर आपके पास कंजम्पशन मौजूद है, लेकिन 1000 पे मौजूद है, फिर 1500 पे है, फिर 2000 पे है, फिर 2500, 500 के फ़र्क से है।
आपको सपोज इनकम टेबल तो इस तरह है। अब आप चाहते हैं कि 1200 या 1700 पे क्या कंजम्पशन होगी, जाहिर है वो तो डेटा में मौजूद नहीं है। अगर आप डेटा पे कोई इस तरह के हमारे पास फार्मूले हैं जिसको इंटरपोलेशन के फार्मूले कहते हैं, अगर इस डेटा के दरमियान में जो वैल्यू मिसिंग है वो इंटरपोलेशन के फार्मूले आप इस्तेमाल करके वो वैल्यूज़ पैदा कर लेते हैं, अंदाज़ा उसका लगा लेते हैं, तो इस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन डेटा के अंदर जो मिसिंग जगह है उनको फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सट्रापोलेशन ये है कि सपोज़ आपका डेटा 1000 से लेके 10,000 तक का रेंज तक उसकी सारी ऑब्जर्वेशन है, और अब तो आप 12,000 के लिए अंदाज़ा करना चाहते हैं, तो आप डेटा के रेंज से बाहर जाकर अंदाज़ा करना चाहते हैं, ये है एक्सट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन, इस पे हम मिसिंग वैल्यूज़ को इस्टीमेट करते हैं। अनदर सोर्स ऑफ मैनिपुलेशन इज इंटरपोलेशन आर एक्सट्रापोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर इन दिस कंट्री, अमेरिका की बात हो रही है, द लास्ट बींग इन 2000 एंड द वन बींग बिफोर वॉज इन 1990। नाउ इफ देयर इज़ अ नीड टू ऑब्टेन डेटा फॉर से सम ईयर विद इन द इंटर सेंसिस पीरियड, मतलब 1990 और 2000 के दरमियान के अगर आपको पॉपुलेशन चाहिए, बिल्फर्ज 1995 की चाहिए, तो वो तो इसमें मौजूद नहीं होगा। 1990 को अगर 2000 के दरमियान का आप अंदाज़ा लगाएंगे, इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। द कामन प्रैक्टिस इज़ टू इंटरपोलेट ऑन द बेसिस ऑफ सम एडहॉक अजम्पशंस। ऑल सच डेटा डेटा मैसेजिंग मैसेजिंग टेक्निक माइट इम्पोज अपॉन द डेटा अ सिस्टमेटिक पैटर्न दैट माइट नॉट एग्जिस्ट इन ओरिजिनल डेटा। तो जाहिर है कि इससे भी डेटा में पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाता है, और वही पैटर्न जो है ना ऑटोकोरिलेशन का जरिया बन जाता है। फिर एक और चीज़ है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो सर ने हमें बताया था क्लास में, फर्स्ट डिफरेंस लेना, सेकंड डिफरेंस लेना। सम टाइम ऑटोकोरिलेशन मे बी इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। आप ओरिजिनल डेटा में फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस ले रहे हैं किसी वजह से और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओरिजिनल मॉडल में जब इस तरह के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा ऑटोकोरिलेशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक और वजह हो सकती है नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़। आपके पास जो टाइम सीरीज़ डेटा है वो नॉन स्टेशनरी है, वैसे ये सर ने आखिरी क्लास में इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया था। वाइल डीलिंग विद टाइम सीरीज़ डेटा वी मे हैव टू फाइंड आउट इफ़ अ गिवन टाइम सीरीज़ इज स्टेशनरी, और स्टेशनरी होना बड़ी अच्छी बात है, हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस एतबार से कह रहा हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कई दफ़ा के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अ टाइम सीरीज स्टेशनरी इफ इट कैरेक्टरिस्टिक, कब वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी होता है अगर उस टाइम सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम इनवेरियंट रहे, चेंज ना हो। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मीन है, वेरियंस है, कोवेरियंस है, इसके अलावा भी है अगर पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लेकिन बहरहाल मीन वेरियंस कोवेरियंस अगर ओवर टाइम वो बदले नहीं तो हम टाइम सीरीज को स्टेशनरी कहते हैं। दैट इज दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम, इफ़ दैट इज़ नॉट द केस वी हैव अ नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, तो फिर वो टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। अब बिलफर्ज इन रिग्रेशन मॉडल सच एज दिस, YT=β1 + β2 XT + UT, इट इज़ क्वाइट एज पॉसिबल दैट Y and X आर नॉन स्टेशनरी, एंड देयर फॉर द एरर टर्म UT इज़ ऑल्सो नॉन स्टेशनरी। और जब वो नॉन स्टेशनरी है तो एरर टर्म आज का वो पिछले एरर टर्म पर डिपेंड करेगा, और उसका ऑटो वो खुद नॉन स्टेशनरी होगा, और यही ऑटो कोरिलेशन है। इन दिस केस द एरर टर्म विल एग्जिबिट ऑटो कोरिलेशन। ओके, काफ़ी तो हमने अब इसके सोर्सेज बता दिए हैं, अब ज़रा ऑटो कोरिलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके क्या नतायज होंगे, अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। When disturbance term are serially correlated या auto correlated, then the OLS estimator of regression coefficient are still unbiased। ये देखें बीटास पे असर नहीं पड़ रहा, वो अनबाइस्ड रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, बट द ऑप्टिमिस्ट प्रॉपर्टी, वो जो मिनिमम वेरियंस वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती। मिनिमम वेरियंस, अगेन वेरियंस मुतासर हो रहा है, ये अक्सर आपने देखा होगा, ये मुतासर हो जाता है।
वेरियस ऑफ सैनिवेशन मुतासर हो जाते हैं। द ओएलएस एस्टिमेटर विल बी इनएफिशिएंट एंड देयरफॉर नो लॉन्गर ब्लू, इनएफिशिएंट रहेंगे और ब्लू में ये जो बी है बेस्ट के लिए, वो मिनिमम वेरियस जो बेस्ट कब के होते हैं, जो मिनिमम वेरियस वाली प्रॉपर्टी होती है, ये बेस्ट नहीं रहेंगे, ठीक है ना, लू रहेंगे, ब्लू नहीं रहेंगे। द एस्टिमेटेड वेरियस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी बायस्ड, फिर देखें, द एस्टिमेटेड वेरियंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी बायस्ड, वेरियंस बायस्ड हो जाएगा। आपको पता है ना, वो बीटा वो कोएफिशिएंट का कॉलम ठीक रहेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम बायस्ड हो जाएगा एंड इनकंसिस्टेंट एंड विल बी ग्रेटर देन द वेरियंस ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेटेड बाई अदर मैथड्स। तो आप वेरियंस का एस्टिमेट दूसरे तरीकों से जो आप हासिल करेंगे उससे बहुत ज़्यादा होगा। क्या मतलब? वेरियंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में ओवर एस्टिमेशन होगी, देयरफॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नो लॉन्गर वैलिड। ये बड़ा मसला है कि इससे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मसला पैदा हो जाएगा, यही कि बीटा का कॉलम ठीक रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम में मसला हो जाएगा, और जब उस कॉलम में मसला होगा तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे। चले, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको रोक के ज़रा आगे जाता हूँ, जहाँ मेरे पास आउटपुट में ज़रा जगह है, वहाँ मैं बता के फिर इधर वापस आता हूँ, इधर मैं फिर वापस आता हूँ थोड़ी देर में। ये देखें, आपके कोएफिशिएंट के ये जगह सही रहेगा, ये अनबायस रहेगा, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट भी रहेगा, मसला पड़ेगा इधर, और जब इधर मसला आएगा तो इसका इफेक्ट टी पे भी जाएगा, इसका इफेक्ट इस पी वैल्यू पे भी जाएगा, इसका इफेक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी जाएगा। मेरा ख्याल में इतना बस आपको लिए समझना काफ़ी है फिलहाल, अब अपने काम की तरफ वापस जाते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नो लॉन्गर वैलिड, ये वैलिड नहीं रहता। इन मोस्ट ऑफ द केसेज आर स्क्वायर विल बी ओवर एस्टिमेटेड, ये खुद एक मसला है, फिर जाके बताता हूँ कि इसका इफेक्ट कहाँ पर होगा। आर स्क्वायर भी ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, ये जगह जो है आर स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, और बहुत ज़्यादा आएगी। आप कहेंगे कि यार मॉडल तो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, तो ये एक गलत परसेप्शन आपको दे देगा। आर स्क्वायर विल बी ओवर एस्टिमेट इंडिकेटिंग दैट अ बेटर फिट देन द वन दे ट्रूली एग्जिस्ट, ये आपको लगेगा बड़ा अच्छा फिट दे रहा है। द टी एन एफ स्टेटिस्टिक विल टेंड टू बी हायर, टी और एफ स्टेटिस्टिक की वैल्यूज आपके पास हायर आएंगे। द वेरियंस ऑफ ए रैंडम टर्म मे बी अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, इफ द यूज आर ऑटो कोरिलेटेड। एरर टर्म का वेरियंस अंडर एस्टिमेट होगा। एमंग द कंसिक्वेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन अनदर इज दैट इफ द डिस्टर्बेंस टर्म आर ऑटो कोरिलेटेड देन द ओएलएस एस्टिमेट्स आर नॉट एसिम्प्टोटिक, दैट इज बीटाज आर नॉट एसिम्प्टोटिकली एफिशिएंट। मतलब अगर आप साइंस सैंपल साइज बढ़ा भी दें तो ये ब्लू प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी, ठीक है, वो लू रहेगी, ब्लू नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन की, कि आप इसको डिटेक्ट किस तरह करते हैं। डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन वो हम करते हैं एक ग्राफ जिसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट की मदद से, तो ग्राफिकल अप्रोच होता सबसे पहले, और ये इनफॉर्मल अप्रोच है, फॉर्मल अप्रोच में बाद में बताऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल SLRM, वाई टी इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस यू टी, ये मॉडल है, और ये तो ज़ाहिर पॉपुलेशन में है। जब आप इसको एस्टिमेट करेंगे, फिटेड मॉडल उसका होगा, तो वाई टी का एस्टिमेट इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो का एस्टिमेट प्लस बीटा वन का एस्टिमेट इंटू एक्स टी, ये फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप इस मॉडल से वाई टी की एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो ओरिजिनल वाई टी से जब आप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे तो आप एरर टर्म को मालूम कर सकते हैं। ये एरर टर्म का ओरिजिनल एरर टर्म की प्रॉक्सी आपको मिल गई है। ये इन दिस अप्रोच वी ड्रॉ स्कैटर प्लॉट शोइंग यू टी, जो आपको इधर मिला है, एरर टर्म के की मौजूदा वैल्यू एज फंक्शन ऑफ एरर टर्म की पास्ट वैल्यू, मौजूदा वैल्यू को पास्ट वैल्यू पर हम रिग्रेस करते हैं। मतलब है ये इसकी मौजूदा वैल्यू को उसकी इसी वेरिएबल की पास्ट वैल्यू को अगेंस्ट, और ये ज़ाहिर है ऑटो कोरिलेशन में हम ऑटो कोरिलेशन है ही यही कि एक वेरिएबल की मौजूदा वैल्यू उसके पास्ट वैल्यू के दरमियान ताल्लुक मालूम करना।
फॉर दिस पर्पज़ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कमांड आर यूज। तो मैंने ये किया है कि मुख्तलिफ जो स्टेट ऑफ कमांड्स हैं उनकी छोटी सी लिस्ट और स्कैटर प्लाट तक किया तक मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना दी है। बाज़ कमांड इसमें ऑप्शनल हैं और बाज़ तो लाजमी हैं। बिलफर्ज ये जो कमांड है टू जनरेट सीरियल नंबर इन द डेटा सेट। देखिए अगर आपके डेटा में पहले से ही आपको पता है कि डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटा एज्यूम करता है कि डेटा क्रॉस सेक्शनल है। अब अगर आपको स्ट्रेटा को बताना पड़ता है कि डेटा टाइम सीरीज है और उसके लिए वैसे ये कमांड है टी एस सेट और फिर आगे वो वेरिएबल बता देते हैं जो टाइम को शो करता है। अब अगर आपके पास ओरिजिनल जो वेरिएबल है डेटा में उसमें गैप्स मौजूद है जिस तरह सर ने क्लास में किया था उसमें गैप मौजूद हैं तो उसमें गैप्स मौजूद है तो फिर हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अब उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यू आई थी। तो सर ने फिर उसका यह तरीका बताया था कि यू जनरेट अनदर वेरिएबल। बिलफर्ज सर ने उसका नाम टाइम रखा था, मैंने उसका नाम एस एन ओ सीरियल नंबर रख लिया। एस एन ओ इक्वल टू अंडरस्कोर एन, ये कमांड चला लें जनरेट एस एन ओ इक्वल टू अंडरस्कोर एन, ये उसमें 1, 2, 3 करके एन तक जो भी सैम्पल साइज है ये एक सीरियल नंबर जनरेट कर देगा जिसको आप टाइम की जगह फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास चूँकि ये वेरिएबल बिल्कुल डेटा के एंड में जनरेट होगा तो अगर आप उसको रीऑर्डर करके शुरू में लाना चाहते हैं किसी और वेरिएबल के बाद में लेना चाहते हैं बिल्फर्ज हम कहते हैं कि सीरियल नंबर को बिल्कुल जो एंड में है उसको डेट के बाद ले आओ तो ये कमांड हम दे देते हैं। ये भी ऑप्शनल कमांड है, कोई ज़रूरी नहीं है। असल कमांड फिर ये है कि अब जब सीरियल नंबर आपने जनरेट कर दिया तो आप टी एस सेट की मदद से उसको और सीरियल नंबर बता दें कि ताकि ये वेरिएबल टाइम सीरीज़ को वो उसको टाइम सीरीज़ सेट कर दे उसको। फिर उसके बाद आप रिग्रेशन रन करें, रिग्रेशन रन करने के बाद आप उसके फौरन बाद आप प्रिडिक्ट करें, आप प्रिडिक्ट करें द फिटेड वैल्यू ऑफ वाई जिसके मैं ले लिया मैंने एफ वाई लिखा है, दिस इज़ अ फिटेड वैल्यू ऑफ वाई। याद रखें ये नाम आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। इसी तरह आप फिटेड वैल्यू ऑफ रेसिजुअल जिसके लिए मैंने एफ यू इस्तेमाल किया है आप मालूम कर सकते हैं फिटेड वैल्यू ऑफ रेसिजुअल। ये यही कमांड होता है सामने कामा लिखकर आर ई एस आई डी लिख लेते हैं रेसिजुअल के लिए तो ये रेसिजुअल को प्रेडिक्ट कर लेता है। ये कमांड और ये कमांड जो है ना ये आपके डेटा सेट में मज़ीद कॉलम ऐड करेगा। टू जनरेट लेग्ड वैल्यू और इसके ये जो एरर टर्म आपने जनरेट कर लिया ये बेसिकली वो यू टू है, यू टी है, यू टी ये वाला, ये एफ यू जो है ये असल में यही यू टी है। अब अगर आप यू टी माइनस वन जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप एक मैंने ये नाम रख लिया एफ यू वन, एक साल पुराना मैंने करना है ना, एक साल पुराना लेग जो वेरिएबल जनरेट करना है, जनरेट एफ यू वन इक्वल टू और इस एफ यू से पहले एल डॉट लिख लिया, एल का मतलब लेग, तो एक साल पुराना लेग वेरिएबल जनरेट हो जाए। और एक दफ़ा ये एफ यू जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये एफ यू शो कर रहा है यू टी को और एफ यू वन शो कर रहा है यू टी माइनस वन को, जब ये दोनों आ गए तो अब आपने स्केटर प्लॉट बनाना है स्केटर एफ यू वन, ये कर लें तो आपको स्केटर प्लॉट मिल जाएगा। और फिर आपको जो स्केटर प्लॉट मिल जाएगा तो वो आपको इस किस्म का यू टी को यू टी माइनस वन पे ग्राफ करेगा। आप इससे या इससे कंपेयर करेंगे कि हमारा ये ग्राफ किस किस्म का है। चले जी इसका हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, दरमियान थोड़ा रुक के इन तमाम कमांड की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये मैंने स्टॉक प्राइसेस का वही डेटा रखा है, ये आप देख रहे हैं ये वही डेटा है जो सर ने बताया था। आप चाहें तो इसको पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ। अच्छा जी आप चाहें तो हम इस डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम सीरीज़ पे, लेकिन मसला है अगर आप इधर देखें तो डेट में गैप्स हैं। देखें 2nd January 2001, 3rd January 2004, 5, 6, 4, 5 के बाद देखें 6, 7 मिसिंग है, वो छुट्टियाँ थी। फिर 8 January आ गया, 9, 10, 11, 12 और फिर 16 है। तो ये देखें ये मसला है, इसमें गैप्स हैं।
तो इस गैप्स का मसला हम दूर करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मैंने बताया कि हम जनरेट सीरियल नंबर अंडरस्कोर एन ये कमांड चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कमांड चला रहे जनरेट सीरियल नंबर, मैंने कैपिटल वहाँ लिखा था एस एन ओ, ज़रा स्मॉल लिखता हूँ, स्मॉल लिखना ज़्यादा बेहतर है। वैसे स्ट्रेटर जो है स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क करते हैं, एहतियात करें। और अंडरस्कोर एन, और बस ये कमांड जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अभी आप देखें यहाँ पर ये सीरियल नंबर नहीं है, यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, यहाँ माउस है, एक और वेरिएबल जनरेट होगा। ये देखें, ये उसने सीरियल नंबर ये और ये वेरिएबल उसने जनरेट कर दिया। आपने देखा है तो ये इधर देखें, ये थोड़ी देर पहले ये वेरिएबल नहीं था, अब आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये सीरियल नंबर यहाँ से हट के इधर डेट के करीब आ जाए, तो आप इधर ऑर्डर लिख लें, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर, डेट के बाद आप सी एस एन ओ रख लें। अभी आप देखें एस एन ओ यहाँ पर है ना, ये उछल के यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जब मैं एंटर प्रेस करूँगा। ये देखा, सीरियल नंबर इधर आ गया, और ये सिर्फ इधर नहीं हुआ, ये इसमें भी हो गया। ये देखें, डेट के फ़ौरन बाद सीरियल नंबर आ गया। एक तरह से हमने इस डेट को वन के दिया, इसको टू, इसको थ्री, इस तरह नाम रख दिया इसके। बहरहाल ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको ये दो ऑप्शनल कमेंट चला दिए। अब मैं इस सीरियल नंबर पे इसको टाइम सीरीज डिक्लेयर करूँगा और फिर रिग्रेशन रन करूँगा। तो पहले इसको टी एस, टी एस फॉर टाइम सीरीज, टी एस सेट, यानी सेट इट एज टाइम सीरीज, और टी एस सेट के बाद आप एस एन ओ लिख लें कि सीरियल नंबर के बेस पे इसको टाइम सीरीज डिक्लेयर कर लें। तो वो कह रहे हैं कि जी ये टाइम सी टी एस सी, ये तो हमारा कमांड है, वो कह रहे हैं कि टाइम वेरिएबल एस एन ओ है, यानी मैं एस एन ओ को टाइम वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू 1 से लेकर 248 तक है। डेल्टा का 1 यूनिट का मतलब है कि इसमें 1 यूनिट का फ़र्क जा रहा है, यानी अगर पहली वाली 1 है तो फिर दूसरी 2, फिर 3, फिर 4, 1 यूनिट का फ़र्क इस तरह चलते हुए 248 तक वैल्यूज़ मौजूद हैं। बहरहाल इसने इसको टाइम सीरीज़ डिक्लेयर कर लिया है। आगे टाइम सीरीज तो डिक्लेयर हो गया, अब हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं। रिग्रेशन आपका रूटीन का रिग्रेशन कमांड, सपोज हम वॉल्यूम को रिग्रेस कर रहे हैं हाई पर, सर ने इसी तरह किया तो वही कर रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ। ये रिग्रेशन कमांड हमने रन कर दिया। अब इस रिग्रेशन कमांड के बाद हम वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और उसकी बातें करेंगे। अच्छा, ये ज़रा देखें अभी हमारे पास कौन से कॉलम्स हैं इस डेटा में, आप ये कॉलम ज़रा जहन में रखें। अभी हमारे पास सिर्फ ये कॉलम है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि वॉल्यूम की फिटेड वॉल्यूम मालूम कर लेता हूँ, और इसी तरह फिटेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म मालूम कर लेता हूँ। ये चीज़ें कुछ करते हैं, ठीक है ना, मिनिमाइज़ करते हैं इसको। तो ये देखें, अभी तक मैंने रिग्रेशन कमांड रन की है। मैं वॉल्यूम की फिटेड वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, मैं एरर टर्म की फिटेड वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, लैग्ड वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, स्कैटर प्लॉट, यानी 1, 2, 3, 4 कमांड अभी रहते हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, प्रेडिक्ट करना है हमने। ये आप प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट करें, और प्रेडिक्ट में आगे आपने जिस वेरिएबल का नाम लिखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेगा, रिजिडुअल को प्रेडिक्ट नहीं करेगा, उसके लिए कामा करके रिजिड लिखना पड़ता। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें कौन सा है, वॉल्यूम। सपोज़ हम वॉल्यूम की जो फिटेड वैल्यू है या प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो हम एफ वॉल लिख लेते हैं, कैपिटल एफ़ के साथ वी कैपिटल वी ओ एल लिख लेते हैं। ये प्रेडिक्ट करके जब हम इंटर करेंगे तो ये इसमें एक नया वेरिएबल इधर इंक्लूड कर देगा। इधर देखते हैं, ये देखें एफ वॉल्यूम, और उसने उसकी वैल्यू बताई कि ये फिटेड वैल्यूज़ को बता रहा है, ठीक है, और ये आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें फिटेड वॉल्यूम आ गया। चले जी, अब आप ये कर सकते हैं कि जी वॉल्यूम से फिटेड वॉल्यूम माइनस करें तो यहाँ वो एरर टप इससे, ये देखें ये वाई टी है
और ये yt है और ये yt की एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब अगर आप इससे ये माइनस करें तो आप इधर एरर टर्म खुद बना सकते हैं, लेकिन ये लंबा काम होगा। हम इसको स्टेटा से ही करेंगे। कैसे करेंगे? प्रेडिक्ट लिख लिया। अब हम एरर टर्म का कोई नाम रख लेते हैं। हम इसका एफ फिटेड वैल्यू ऑफ यू, एफ यू रखते हैं, फिटेड वैल्यू ऑफ यू एरर टर्म। लेकिन ये उसको कैसे पता चलेगा कि ये, अगर आपने डायरेक्ट इसको एंटर कर दिया तो वो इसको ही वॉल्यूम समझ के फिट कर देगा, मज़ा नहीं आएगा, वो वॉल्यूम को ही काम करेगा, ठीक है, ये सही नहीं होगा। ये चले कर देता हूँ, ज़रा देखे होता क्या है। आपको ये अगर आपने डायरेक्ट एंटर कर दिया तो क्या होगा, ये देखे, ये वो दोनों बिल्कुल एक चीज़ समझ रहे हैं, ये तो मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। हम तो एरर टर्म को एस्टिमेट कर रहे हैं, ये है तो उसने वॉल्यूम को एस्टिमेट कर दिया, ठीक है, तो ये सही नहीं हुआ। ऐसा करते हैं कि ये एफ यू जो वेरिएबल है ये हमने गलत कैलकुलेट कर लिया है, इसको ड्रॉप कर लेते हैं। और अब आपको एक और अहम वेरिएबल, एक अहम कमांड समझ आएगा, ये एफ यू को हम ड्रॉप कर लेते हैं। अभी देखें यहाँ फिट एफ यू मौजूद है, इसको मैंने ड्रॉप करना है, ख़त्म करना है डेटा से, तो ये डिलीट हो गया, ये ड्रॉप हो गया। अब दोबारा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फिर एफ यू नाम दे देते हैं, लेकिन अब की दफ़ा रिज़ल्ट लिख लेते हैं, RSID लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैंने फिटेड वैल्यू, ये मैंने वॉल्यूम को नहीं, मैंने रिजिजुअल को प्रेडिक्ट करना है। अब आप एंटर प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर ये देखें एफ यू उसने लिखा, और अब की दफ़ा वो रिजिजुअल लिख लिया कि वो रिजिजुअल को प्रेडिक्ट कर रहा है। ये देखें अब की दफ़ा उसके बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी हैं, ये रिजिजुअल। और वैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इस नंबर से इसको माइनस करें तो ये आंसर आएगा, इससे इसको माइनस करें तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज़ का इसने कैलकुलेट कर दिए। अब अगर हमने इसकी लेग्ड वैल्यू, एक साल पुरानी वाली वैल्यू जरवाला काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जनरेट, एक नए वेरिएबल का नाम रखेंगे एफ यू वन। ये याद रखें, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बिलफर्ज एल एफ यू भी लिख सकते हैं, लेग्ड वैल्यू। बार दिस इज़ इक्वल टू एल डॉट एफ यू, यानी ये जो एफ यू हमने जनरेट किया उसकी लेग्ड वैल्यू जनरेट कर दो और एंटर प्रेस कर दें। वो कह रहे एक मिसिंग वैल्यू आ गई, एक के खैर है, अगर हम ओरिजिनल डेट पे इसको डेटा को ऑर्गेनाइज करते ना तो ये बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यू आई थी, जिस तरह सर ने क्लास में बताया था। बहरहाल ये देखें, ये वैल्यू उसने इधर कॉपी कर दी, ये इधर, मतलब है इसके लिए ये लेग्ड वैल्यू हो गई, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, मतलब है इसके लिए ये होनी थी वो उठाकर उसने इधर रख ली, इसके लिए ये होनी थी वो उसने उठाकर इधर रख दी। इस तरीके से ये लेग्ड वैल्यू जनरेट हो गई, ये एक मिसिंग वैल्यू भी साथ आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास एरर टर्म ये यूटी हो गया और ये यूटी माइनस वन हो गया, ये हो गया यूटी और ये हो गया यूटी माइनस वन। अब हम इनका ग्राफ बना सकते हैं और वो है स्कैटर प्लॉट, स्केटर। और हम क्या करेंगे, स्केटर में एफ यू रख लेंगे और एफ यू माइनस वन रख लेंगे, स्केटर ही कमांड है ना, हाँ स्केटर, स्केटर करके और एफ यू और एफ यू माइनस एफ यू वन दोनों कमांड रख लिए। याद रखें ये एफ यू का मतलब है ये एरर टर्म की एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये एरर टर्म की लेग्ड वैल्यू है, ये यू टी है और ये यू टी माइनस वन है। अब जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको ग्राफ बताएगा, थोड़ा वक्त लेता है ये, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर बाद ये आपको ग्राफ बता देगा। मुमकिन है आपका कंप्यूटर फास्ट हो और इतना वक्त ना ले। ओके, तो ये मेरे पास ग्राफ, हाँ ये तो तकरीबन इस तरह पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, कुछ इस तरह की थोड़ा बहुत ट्रेंड तो इसमें मौजूद नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर डेटा का सेंटर कुछ ऐसे और ऐसे है तो ये तो ग्राफ तो इससे मिलता है। किससे मिलता है मैं बता देता हूँ, ये ग्राफ तो इस वाले से मिलता है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन मेरे ख्याल में इसमें मौजूद है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन इसमें नज़र आ रहा है, ये इससे मिलता है।
बाकी ये एफ यू वन जो है ना, ये देखें ये लेग्ड वैल्यू है और ये रिजिजुअल मौजूदा वैल्यू, ये मौजूदा एरर टर्म है और ये पास्ट के एरर टर्म है, ठीक है। तो इनके दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप मौजूद है। ओके, ये तो हो गया जी आपको एरर टर्म की ये कहानी, और ये कि ये वो ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसका अंदाज़ा कैसे करते हैं। ये ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं, याद रखें ये था एफ यू वन और ये था एफ यू, और हमारे पास इस तरह का ग्राफ आया। चले जी, तो इस ग्राफिकल मेथड से भी आप ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन फॉर्मल अप्रोच, और उसके लिए हमारा एक ख़ास टेस्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम डर्बन वाटसन टेस्ट कहते हैं। दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, जिसके लिए हम लिख लेते हैं रो इक्वल टू ज़ीरो। रो फॉर ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, ऑटो कोरिलेशन के लिए ऑटो कोरिलेशन इज ज़ीरो, ऑटो कोरिलेशन इज नॉट ज़ीरो, देयर इज ऑटो कोरिलेशन, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, ये टेस्टिंग में डर्बन वाटसन में जो टेस्ट का इस्तेमाल होता है वो डी इक्वल टू टू इंटू वन माइनस रो का एस्टिमेट। ये वाला रो नहीं है, ये उसके सैम्पल से एस्टिमेटेड वैल्यू आई है, और इसका फार्मूला ये है, दिस इज कंप्यूटर फ्रॉम सैम्पल टू एस्टिमेट रो। अब बाकी चूंकि ये कोरिलेशन ही है, लिहाजा इसका आंसर, रो का आंसर तो माइनस वन और प्लस वन के दरमियान आएगा। और अगर आप ये वैल्यूज़, रो की वैल्यूज़, मुख्तलिफ वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें, जैसे मैंने इधर पुट करके बताई भी हैं, माइनस वन पुट करें इस फार्मूले में यू विल गेट फोर, ज़ीरो पुट करें यू विल गेट टू, वन पुट करें यू विल गेट ज़ीरो, तो डी का आंसर आपके पास ज़ीरो और फोर के दरमियान आएगा। इस डी स्टैटिस्टिक का आंसर आपके पास ज़ीरो फोर, यह डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक है, इसका आंसर आपके पास जीरो और फोर के दरमियान आएगा। याद रखें फोर शो कर रहा है नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, बड़ी वैल्यूज डी की बड़ी वैल्यूज नेगेटिव और कम वैल्यू ज़ीरो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन को शो करता है। ये ज़रा अहम बात है, इसको इस टेबल से याद कर लें। उसके बाद अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, डर्बन वाटसन टेस्ट का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। वो जो डी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ है ना, अगर वो ज़ीरो के करीब आएँ, इधर ज़ीरो के कितने करीब है मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। असल में डर्बन वाटसन का एक ख़ास टेबल होता है जिससे हमें वैल्यूज़ पता चलती है डी एल का और डी यू का। अगर डी की वैल्यू डी एल से कम हो तो ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन को शो करता है, ज़ीरो के बहुत करीब हो गया ना। और अगर डी की वैल्यू फोर माइनस डी एल से बड़ी हो, फोर माइनस डी एल से बड़ी हो, तो ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन शो करेगा। और यहाँ पर भी आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। हाँ, अगर डी की वैल्यू डी यू और फोर माइनस डी यू के दरमियान हो तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अलबत्ते ये कुछ डी एल और डी यू के दरमियान वैल्यूज़ आ जाएँ, डी की वैल्यू इन जगह पर आ जाए, तो टेस्ट इनकनक्लूसिव रह जाता है। और अगर 4 माइनस डी यू या 4 माइनस डी एल के दरमियान वैल्यूज़ आ जाए तो भी, मतलब ये सारा फैसला डी की वैल्यू पर होता है, डी की वैल्यू अगर इस लिमिट में आ जाए तो भी टेस्ट इनकनक्लूसिव हो जाता है। हमने डी कैलकुलेट करके चेक करना है कि ये इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। अब ज़रा थोड़ा सा मसला है कि ये डी एल और डी यू कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ये कहाँ से आएगा, इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ। आप अपने बुक में जाएं, बुक आपकी किधर है, बुक है सर ने जो आपको दी है अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक बुक्स, उसमें है बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स फिफ्थ एडिशन, ये वही गुजराती वाली, ये वाली, मैंने इसका ज़रा नाम चेंज किया हुआ है। मेरी आदत है, बस दोस्तों को पता है मैं इसके साथ ऐसा 01 वगैरह लिख लेता हूँ ताकि ये टॉप पर आ जाए, मुझे उसको ढूँढना ना पड़े। बहरहाल ये गुजराती की बुक है। इसके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में चले जाते हैं। इसमें अगर आप बिल्कुल एंड में जाके देखें तो स्टैटिस्टिकल टेबल है पेज नंबर 877 पे, 877 पे चले जाएं। वहाँ चले गए तो पता चला कि अभी भी शुरू में नहीं है, दरमियान में कहीं जाके डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ मौजूद हैं, डी एल और डी यू की वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है ना। ये
और शुरू में जो टेबल है वो 5% लेवल पे दे रहे हैं और बाद में 1% वाले। बहरहाल मैंने 5% वाले ही बता दूंगा, बताना आपने देखना हो तो टेबल में जाके देख लें। चले पेज डाउन कर दें। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 ये आगे जी डर्बन वाटसन, ये वाला, इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट पॉइंट डी एल डी यू एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें ये एन क्या है और ये के डैश क्या है, इसको ज़रा कहानी, क्योंकि भाई डी एल और डी यू तो आप पढ़ लेंगे लेकिन ये के डैश क्या है और एन क्या है, इसके लिए आप इस टेबल के बिल्कुल नीचे आकर देखें। ये वो कह रहे अगर n आपके पास 40 है, ये सैंपल साइज 40 है और k डैश इक्वल टू 4, तो डी एल आपके पास 1.285 और डी यू 1.721 है। देखिए 40 और k डैश 4, ये दो जहन में रखें, 40 और k डैश 4, और मैं आपको बता दूँ ये के डैश 4 ये वाला कॉलम है और हम 40 के सामने इस कॉलम को देखेंगे। ठीक है ना, ये ज़रा कॉलम देख लें कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 वाला कॉलम हम देखेंगे, इसके साथ छोड़ के मैंने देखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 वाला हम देखेंगे 40 के सामने। तो चले 40 के सामने ज़रा देख लेते हैं, ये 40 के सामने देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 ये 1.285 1.721 ये वैल्यूज़ हैं जो नीचे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताई हुई हैं कि n 40 हो, k डैश 4 हो, तो dl ये होगा और du होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर कंप्यूटेड वैल्यू डी इससे कम हो, डी एल से कम हो तो आप क्या करेंगे, डी उससे बड़ी हो तो आप क्या करेंगे, ये सारी कहानी है। होपफुली अब आपको समझ आ रही होगी। ठीक है ना, अब आप इसके बेस पे और उस टेबल को ज़रा सामने रख कर बिलफर्ज चले, मैं थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेटर वगैरह भी ले के और थोड़ा ज़रा और समझाता हूँ। ये कैलकुलेटर हो गया, ये हमारे पास आ गया वो। अच्छा जी, अब हमारे पास डी एल क्या चीज़ है, हमारे पास डी एल है 1.285, डी एल की वैल्यू है 1.285। ये मैं अपने केस के लिए नहीं कर रहा, बुक वालों ने जो एग्ज़ाम्पल दिए वही बता रहा हूँ। हमारे पास है डी एल की वैल्यू 1.285, मतलब है ये वैल्यू है 1.285। ठीक है ना, ये ज़रा आपको याद रहे तो मैं इसको कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ 1.285। ठीक है, ये डी एल की वैल्यू है, इस डी एल की वैल्यू है। अब अगर आपके पास डी की वैल्यू कैलकुलेट आप करें स्ट्रेटा वगैरह की मदद से और उसकी वैल्यू 0 और 1.285 के दरमियान आ जाए, इन दोनों के दरमियान यानी 1.285 से कम आ जाए, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन विल बी कंक्लूडेड। आप कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर आपका आंसर 1.285 और 1.721 के दरमियान आ जाए, डीएल और डीयू के दरमियान आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखें ये डीएल है और ये डीयू है, अगर इनके दरमियान आ जाए तो टेस्ट इनकनक्लूसिव, कोई फैसला नहीं कर सकते आप, बात ही ख़त्म। इसी तरह फिर आप कैलकुलेट करेंगे 4 - DU डी अपर लिमिट डी यू, और अगर 4 और -DU के दरमियान, और जब आपको डी यू मालूम है 4 से उसको माइनस ही करना है, अगर उन दोनों के दरमियान आ जाए डी यू और 4 - DU तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर 4 - DU और 4 - DL के दरमियान आ जाए तो टेस्ट अगेन इनकनक्लूसिव हो जाएगा। अलबत्ता अगर 4 - DL से बड़ा आ जाए
तो ये आपके पास जो है ना पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन शो हो जाएगा, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन शो हो जाएगा। तो ये लंबी चौड़ी ज़रा थोड़ी सी इसमें DL और DU मालूम करना होता है। फिर फोर माइनस यानी DL आप यहाँ लिख लेते हैं, DU यहाँ लिख लेते हैं। फोर माइनस फोर से DU, ये वाला DU फोर से माइनस करके यहाँ लिख लेते हैं, और फोर से DL माइनस करके यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये ज़रा मैं कैसे करूँ यार, एक मिनट, ये आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करूँ, एक मिनट, ये पेंट में चला जा गया हूँ मैं, ये चीज़ कंट्रोल सी, पेंट में जाके, पेंट में जाके कंट्रोल वी, अब पेंट में आ गए हैं, ठीक है ना जी। चले अब यहाँ लिख सकते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। DL की वैल्यू है 1.285, ये वैल्यू आ गई। ओके, इस वैल्यू को हम, ये DL की वैल्यू है ना, ये मैं ऐसे करके इसको करे, और ये क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड, ये वैल्यू ये करके और इसको, ओहो कंट्रोल जेड, ये कैसे कट करके कैसे ले जाते हैं, अब हर चीज़ मुझे भी नहीं आती, क्या करूं। चले कंट्रोल जेड जेड, चले इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसके करीब ही लिखता हूँ यारा, यहाँ क्या वैल्यू थी, 1.285, ये DL की वैल्यू हो गई। बस चले आसान काम हो गया, ये DL की वैल्यू हो गई। DU की क्या वैल्यू है, 1.721, ये DU की वैल्यू हो गई। अब निकालते हैं कैलकुलेटर और को 4 से DU माइनस करते हैं, 4 से 1.721 माइनस करते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। 4 माइनस 1.721 तो ये 2.279, ये इधर लिखा जाएगा 2.279, ये आ गया। मेरा ख्याल में कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। फिर हम क्या करते हैं, 4 से माइनस करते हैं DL लोअर लिमिट 1.285, तो ये 2.715 आ गया, ये आ गया 2.715, ये यहाँ लिखा जाएगा 2.715, ये अब इनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद आप स्ट्रेटा से D कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि D की वैल्यू क्या आती है। अगर उसकी वैल्यू 0 और 1.285 के दरमियान आती है, इधर कहीं आती है, तो आपका नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन कंक्लूड कर देते हैं, ये हो गया। अगर उसकी वैल्यू 1.285-1.721 के दरमियान आती है, आप कहते हैं टेस्ट रिमेन इनकंक्लूसिव, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर 1.721 और 2.279 के दरमियान आती है, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और आप कहते हैं नो ऑटो कोरिलेशन। अगर 2.279 और 2.715 के दरमियान आती है, आप अगेन कहते हैं टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव, कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर 2.715 से बड़े आंसर आता है, इससे बड़ी वैल्यू आती है, तो आप नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन कंक्लूड करते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, अब आपको समझ आ रही होगी कि इसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं। ओके जी, तो ये तो था कि जी ऑटो कोरिलेशन का ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं डर्बन वाटसन टेस्ट पे। अब जी डर्बन वाटसन टेस्ट हम चलाते हैं, स्ट्रेटा में कैसे चलाते हैं। एक तो ये कि वो सीरियल नंबर जनरेट कर ले अगर पहले नहीं किया, ठीक है ना।
और ये अगर ऑर्डर वगैरह करना चाहें, इसके बाद टाइम सीरीज़ उसको सेट कर दें, ये वही पुराने काम है जो मैं अभी बता चुका हूँ, इसकी अहमियत नहीं है। इसके बाद रिग्रेशन रन कर लें, यहाँ तक काम हो जाए, रिग्रेशन रन हो जाए, तो उसके बाद फ़ौरन डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक के लिए जो कमांड है वो है E8D Watson, ये कमांड रन करें और ये डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई, ये डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। हाँ, एक ज़रूरी बात रह गई, अहम मसला यह है कि ये केडेश क्या है। ये केडेश क्या है, ठीक है ना, ये ज़रा, केडेश इज़ द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म, एन इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन केडेश इज़ द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटम है, मॉडल चल रहा है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सिर्फ वन ही है, लिहाजा केडेश इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। तो हमारा ये एक अहम बात थी कि जो मेरे ध्यान से रह गई। बहरहाल, अगर आप डर्बन वाटसन ये कमांड इस चला लेते हैं, स्टेट डर्बन वाटसन, तो उसकी ये वैल्यू आ गई, ये इस तरह ये चलाते हैं ये कमांड, ESTAT और डी वाटसन, वाटसन करके आप रन कर देते, ये कमांड चला लेते हैं, या डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक, डी स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जाके टेबल से 248 सैंपल साइज़ पे देखते हैं कि DL और DU की वैल्यू क्या है। मैंने टेबल में देखा ये वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है, शायद नेट पे कहीं अवेलेबल हो, लेकिन ये ज़रा प्रॉब्लम है कि टेबल में हर वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो ये ज़रा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने एक और सैंपल साइज़ पे, सैंपल साइज़ 40 पे आपको सारा कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, इसीलिए किया। बहरहाल, तो ये तो हो गया डर्बन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक, और टेबल में नोट्स में भी हमारे लिखा है कि बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। डर्बन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक हर जगह काम नहीं करता, काम तो करता है लेकिन अक्सर टेबुलेटेड वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए डर्बन वाटसन टेस्ट के हमारे पास अल्टरनेट टेस्ट होने चाहिए। अब ज़रा अल्टरनेट टेस्ट की बात करते हैं। अल्टरनेट टेस्ट की बड़ी अच्छी बात यह है, डर्बन वाटसन के जो अल्टरनेट टेस्ट हैं ऑटो कोरिलेशन के लिए, वो है वही ई स्टेट लिखकर डर्बिन और ALT लिख लेते हैं, अल्टरनेट टू डर्बन, ठीक है ना। इस टेस्ट का ख़ास फ़ायदा क्या है कि इसके लिए आपको टेबल नहीं देखना पड़ता, ये पी वैल्यू दे देता है, और साथ ये बता रहता है कि नल हाइपोथेसिस मेरा नो सीरियल कोरिलेशन या नो ऑर्डर कोरिलेशन। ओके, ये कह रहा है नो ऑर्डर कोरिलेशन है, लेकिन ये तो पी वैल्यू 0.05 से बहुत छोटी आ गई है, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, ऑर्डर कोरिलेशन मौजूद है, ठीक है ना जी, ऑर्डर कोरिलेशन मौजूद है। और ये गॉडफ्री का जो टेस्ट है, ये भी आप कर सकते हैं, ये कमांड है, वही उसी तरह कमांड है, बस ये कॉपी करके उधर आपने चला देना है। अगेन ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो नो सीरियल कोरिलेशन वाली बात रिजेक्ट होगी। तो ये ज़रा आसान है कि इसमें पी वैल्यू आ जाती है, और पी वैल्यू से बड़े आसानी से फैसला हो सकता है। सो दीज वर द टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। आप चाहें तो ये टेस्ट भी इसमें बिलफर्ज कोई एक में चला लेता हूँ, ई स्टेट और डर्बिन और ALT, और ये ई स्टेट डर्बिन ALT करके आप जब कमांड देते हैं तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। इस तरह और दूसरा भी आप चला सकते हैं, बस काफ़ी है, यही रिज़ल्ट आ गया जो मैंने अभी बताया था। ये कर देने के बाद अब हम आगे जाते हैं, सवाल ये कह रहा है ऑटो कोरिलेशन हो जाए तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं, हम क्या इलाज कर सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन अब तो पक्की पक्की बात हो गई कि मौजूद है। यहाँ खुशकिस्मती यह है कि स्ट्रेटा में इसके लिए खसूसी कमांड है, ठीक है, और उसकी वजह से अब ये कमांड है, ये आप गौर करें, ये REG कमांड की जगह हमने PRAIS प्रेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कमांड है। बाकी आप जैसे REG की जगह PRAIS लिख लें और कमांड चला लें, दिस कमांड ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ ऑटो कोरिलेशन ये रिमूव कर देगा। इसी के इक्विवेलेंट एक और कमांड है जिसमें कामा लेकर CORK लिख लेते हैं, वो भी यही काम करता है।
एक और कमांड है जो मुझे इस वजह से पसंद आया कि कामा करके कॉर्क के साथ बी सी ई और रोबस्ट लिख ले, तो ये आपको ऑटो कोलेशन और हेटरोसेरास्टिसिटी, इट विल टेक केयर ऑफ बोथ। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि ऑटो कोलेशन भी रिमूव हो जाएगा, हेटरोसेरास्टिसिटी भी रिमूव हो जाएगी। कमांड यही है, आप इनको रन कर सकते हैं। बहरहाल इनके रिज़ल्ट क्या आएंगे, चले एक मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एक मैं ये प्रेस वाला एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। पी आर ए आई एस और प्रेस के बाद आप वॉल्यूम ले आए और इसके बाद हाई ले आए, वही मॉडल। ठीक है, ये भी हो सकता था कि हम वो जो हमारा यहाँ कमांड है रिग्रेशन वाला, ये ले आते और रिग्रेशन के बाद उसको सेलेक्ट करके वो प्रेस लिख लेते उसका, वो भी हो सकता था। बहरहाल ये जो कमांड है, जब आप इसको एग्जीक्यूट किया मैंने इंटर प्रेस करने के बाद, तो आपको ये बात जो बात नज़र आ रही है वो ये कि इसका डर्बन मार्शल स्टैटिस्टिक ओरिजिनल 1.008572 था, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा भी। लेकिन ये कमांड चला रहने के बाद, वो सारा कुछ कर देने के बाद, अगर आप अब डर्बन मार्शल ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं तो वो 1.9, ये आलमोस्ट 2 के करीब डी वैल्यू आ गई है, डी वैल्यू आलमोस्ट 2 के करीब। ये तो पक्की पक्की बात है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके डेटा से ऑटो कोरिलेशन उड़ गया है। तो इट्स वेरी गुड कि बड़ी एक सिंपल से कमांड से ऑटो कोरिलेशन चला जाता है। ये मैंने कमांड का आउटपुट आपको बताया हुआ है सारा का सारा। फिर यहाँ वो दूसरा कमांड, वो कॉर्क साक लगा के मैंने बताया था, तकरीबन वही कमांड होता है, वही चीज़ है। और ये वो जो तीसरा कमांड है जिसमें कॉर्क के साथ बी सी ई और रोबस्ट लिख लेते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं करेगा कि ऑटो कोरिलेशन का मसला हल करेगा, बल्कि वो सेमी रोबस्ट किस्म के स्टैंडर्ड एरर भी ऐड कर देगा, यानी रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर भी, यानी हेटरोसेरास्टिसिटी का मसला भी हल कर देगा। सो इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, आप इन कमांड्स को चेक कर सकते हैं। आज तकरीबन सारा दिन मैंने लिया है इसको तैयार करने में, अच्छा है, मेरी भी तैयारी हो गई और इंशाल्लाह दोस्तों के लिए भी कुछ ना कुछ तैयार हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। चले जी, ये सब कुछ क्लोज करके ना बस मत सेव करो यार, बंद करो इसको, हम कर दिया है। ठीक है ना, और आल्ट एंड कर देते हैं।